छोरियों के लिए ले गए हैं बड़े खास जानवर जो ये फौरन दे देंगे और लेके चले जाएंगे। भाई कितना मांग रहे हैं इसके बेड़े का? कितना? 8 लाख रुपया मांग रहे हैं सारे एक शहर सारे ना। चाचा जी 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे वेख। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आपको पता है कि ईद आने वाली है और बकरा मंडी की तरफ सबका रुझान है और देखते हैं कि क्या क्या रेट चल रहे हैं। अभी पिछले 2 दफ़ा मैं तो जा चुका हूँ, तो उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा कि मंडी के क्या हालात चल रहे हैं, मंडी के अंदर क्या रेट हैं बकरे बैठे फैसलाबाद की मंडी के खास तौर पर। तो आज आपको दोबारा लेकर चलते हैं मंडी की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये फैसलाबाद के अंदर मतलब पीपल्स मुनी वाली साइड की टैंकी है, पानी वाली टैंकी, और ये काफ़ी अरसे से है। और इसकी खास बात ये है कि इसके ऊपर पानी नहीं चढ़ता, ये बनाई है लेकिन इसके ऊपर पानी नहीं चढ़ता, ये सिर्फ शो पीस बनाया है। तो गुम्बर ने इसके बड़े पैसे ज़ाया किए। खैर, आपको मंडी की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मंडी में आज सूरत हाल क्या है, मंडी में बकरों का, भेड़ों का और ऊँट का क्या रेट चल रहे हैं और क्या हिसाब किताब है। अभी चलते हैं मंडी की तरफ। अभी हम मंडी की तरफ को जा रहे हैं रास्ते के अंदर और आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये पैसे अगर आप डी ग्राउंड से करें ना तो डी ग्राउंड से लेके मंडी तक का सफ़र तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है, तो उसको खानुआ ना मंडी कहा जाता है। तो आज आपको मैं बहुत दिखाऊँगा, पहले समुद्री रोड वाइज दिखाएंगे, अभी उस तरफ को ही जा रहे हैं। और ये हम मंडी पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं हम मंडी की रौनकें यहाँ से शुरू हो गई हैं। और अभी अंदर जाके देखते हैं क्या कौन कौन से जानवर आ चुके हैं यहाँ से, तो बहुत ज़बरदस्त। और इधर वो न्यूज़ वाले भी आए हैं और अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सिस्टम क्यों है। यहाँ से मंडी शुरू होती है और इस मंडी के अंदर ये कैंप लगा हुआ है इंतजामिया का कुर्बानी के जानवरों के लिए, कि मतलब अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए, और ये कोई चच्चड़ मार स्प्रे वगैरह भी वो दे रहे हैं और फ्री यहाँ पर इलाज है। मतलब अगर कोई जानवर बीमार होता है तो यहाँ वेटनरी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टरों के पास आके आप सारा उनसे इलाज वगैरह करवा सकते हैं। छोड़ बैठे लगे इनका रेट पूछते हैं। वो पिछले भाई ने तो परेशान कर दिया, 5 लाख रुपये मांगे, पता नहीं है वो कैमरा देख के उन्होंने इतने पैसे मांग लिए कि 5 लाख रुपए मैंने कहा शायद ये फ़ौरन दे देंगे और लेके चले जाएंगे। भाई कितना मांग रहे हैं इसके बेड़े का? कितना? 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत है और रेट ही बड़ा खूबसूरत मांग लिया भाई ने, फ़ौरन ही 8 लाख रुपए। तो अभी तो इधर व्यापारियों ने मतलब के ना बड़ा अजीब सा सिस्टम बनाया, 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जिस तरह मतलब के ना 4-4, 5-5 हज़ार रुपये वाले नोट हैं, तो जिसका मर्जी जो मुँह मांगी जा रहा है। तो ये बहरहाल बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और जानवर इतने वाले हैं नहीं कि जितने वो पैसे मांगी जा रहे हैं। जैसे दुम्बे खड़े हैं, चक्की दुम्बों का क्या हिसाब किताब है। इधर 2 लाख रुपया, तो 1.5 इसका 2 लाख मांग रहे हैं, इसका 1.5 लाख मांग रहे हैं, इसका 2 लाख और इसका 1.5 लाख। इस साइड पे आगे और चलते हैं और बेड़े शेड़े भी लगे हैं। कुछ तो आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे लोग किस तरह पैसे मांगी जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि पैसे जो गाह के फ़ौरन दे के चला जाएगा, गाह पागल है। तो बहरहाल इस साइड पे छोटे छोटे बेड़े और लगे हैं, इन बैरों का भी पूछते हैं क्या हिसाब किताब है। कट्टे का रेट पूछ के बताऊँगा आपको, कट्टे के कितना मांग रहे हैं। कट्टा देखो, तो कट्टा बखाने के कट्टे का की मांग रहे हैं, तुम वेखो अपने हिसाब ना कट्टा तुम्हें किंज लगता है। भाई ना कट्टे का की रेट मांग रहे हो? 1.5 लाख मांग रहे हैं। तो नाल खड़ी वो तो बैठे का, हाँ जी बच्चे का, एक 75 मांग रहे हैं बच्चे का, तुम वेख सकते हो सोना बच्चा जी। मैं तो यह किया ही नहीं माड़ा है, सोना बच्चा, हाँ जी जी। देखो जी चाचा जी ने 4 लाख रुपया मंगे है, बड़ा तो सोना है तो घबरा भी पिया, डरदा भी पिया है। ए चाचा जी बैठे कहने 4 लाख रुपया। दोस्तों आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर ये तरपाल वगैरह लगी हुई है ना, ये 50,000 रुपये उन्होंने लिया है इस टेंट से। ए किन्नी देर, ए 50,000 किन्नी देर का? 28 तक, 30 तक, ई तक इहदा रेंट 50,000 रुपया। और उन्होंने वो बता रहे हैं कि जो एंट्रेंस पे जो वेटरनरी डॉक्टर नहीं वहाँ पे बैठे हुए, उसका वो उन्होंने 500 रुपया पर जानवर फीस रखी हुई है और कि हर जानवर से 500 रुपया ले रहे हैं। थोड़े से ऊँट शूट आए हुए हैं, तो वो ऊँट एक वो पीछे दूर आपको नज़र आ रहा होगा सफ़ेद रंग का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत ऊँट है, वो दिखाते हैं कि उसका क्या रेट मांग रहे हैं। वो बैक साइड पर और भी ऊँट हैं तो वो भी दिखाता हूँ। मंडी के हालात जा रहे हैं, वो बता रहे थे कि यार 50,000 रुपये हमसे रेंट ले रहे हैं और 500-500 रुपये वेटरनरी वाले डॉक्टरों का दिखाने का ले रहे हैं कि जी एक एक जानवर के 500 रुपया, ठीक है। उसके अलावा पानी का यहाँ पे अभी इंतज़ाम वो हमें दे नहीं रहे और पट्ठे शट्ठे तो हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब 500 रुपया 500-600 रुपये का एक
एक जानवर का चारा है रोज़ाना का, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो खर्चों के हिसाब से जिस तरह रेट मांग रहे हैं तो वो रेट बहुत कम है कि मुनासिब है, और इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, तो इस वजह से मतलब इस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। तो बहरहाल उनको भी चाहिए कि वो भी जायज़ पैसे मांगे, और जो ख़रीदार है उसको भी चाहिए। बहरहाल हर किसी ने अपनी हिसाब से ख़रीदारी करनी है। तो ऊँट तो दूर से खूबसूरत लग रहे थे, तो करीब आके तो आप खुद देख सकते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह। तो ये देखें आप ऊँट, ऊँटों के क्या हालात हैं। ऊँटों का प्रॉपर खाना शाना नहीं मुझे मिला, लगता है खुराक नहीं मिली। अब मैं इसका रेट वहाँ पूछूँगा ना, तो वो रेट मुझे कहेगा जी 4 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है, ऊँटों का रेट पूछते हैं। तो ऊँट तो काफ़ी माशाल्लाह खड़े हुए हैं, तो किसी एक आधे ऊँट का रेट पूछते हैं, ताकि ऊँट के रेट का भी आपको अंदाज़ा हो जाए क्या हिसाब किताब है। चाचा जी, ऊँट का की मांग दे? 5 लाख रुपया। तो यह जो खलोता है यह दस दो। गुस्सा कर गया, 5 लाख रुपया ऊँट का मांग रहे हैं। तो देख लो ऊँट भी गुस्सा कर गया कि इन्ने घट मंगी जाने, तो आटा गुंद रहे। लाहौरियों के लिए ले गए हैं बड़े ख़ास जानवर, जो लाहौर के लोग खाना पसंद करते हैं, जो लाहौर के लोग 2 साल तक खाते रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल में ये उनके लिए ठीक है, और उनको सस्ता भी मिल जाएगा, 40-20 हज़ार। ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये 20-20 हज़ार का उनको मिल जाएगा। गोश्त भी काफ़ी निकलेगा, और जायके से तो पहले ही वो जानते हैं किस तरह का जायका है। भैंसों के रेट तो देख ली है, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं रेट। तो ये ऊँटों का ही बताएं, ऊँटों का क्या मांग रहे हैं? खर्चे भी बता रहे हैं कि खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। तो आप बताएं कि खर्चे इधर ज़्यादा हो रहे हैं या रेट ज़्यादा मांग रहे हैं? अच्छा, कोई 40,000-50,000 भी दस रहे ने। इधर तुसीं ऐ मुनासिब है 10-15 किन्ने दिन वास्ते? जिन्ना किराया मा हाँ हाँ नहीं ताड़ी गल बिल्कुल ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस। हाँ नहीं, है तो रेंट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मैंने मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे हैं। तुम यह दसो है ऊँटा का तुम की मांग रहे हो? हाँ जी, जो 3 खलोते की मांग? 11 लाख रुपया जोड़े का। हाँ। वो पड़े दोनों का ठीक है, वो खाया भी खूबसूरत ने, खूबसूरत ने। कोई ताज़ा ताज़ा जानवर आए हैं, उनको अनलोड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि जानवर मंडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और इस साइड पर जी कबड्डी का मुकाबला चल रहा है, कबड्डी खेल रहे हैं लड़के ज़मीन के अंदर। और ये देखें जी, ये जानवर आ चुके हैं, जानवर एक एक करके उतार रहे हैं भाई। जानवर थोड़े थोड़े परेशान हैं, काफ़ी सफ़र करके आए हैं, तो वो जी ये चेक करें जी। ओ जी आ जा जी, फाड़ लिया, फाड़ लिया, ओ फाड़ लिया, ओ फाड़ लिया, ओ फाड़ लिया, फड़िया गया, फड़िया गया। ओ जी निकल गया, पॉइंट लभ गया, नो लभ गया, पॉइंट लभ गया। इस साइड बकरों वाली साइड पे हम आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं कि बकरियों का क्या हिसाब किताब, बकरों का क्या क्या रेट मांग रहे हैं। और बकरों का तो बहुत सारे बकरे लगे हुए हैं यहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत बकरे। और ये देखें जी, बड़े खूबसूरत बकरे हैं। इसको याद है की मांग रहे था? ताड़ा नहीं है कितने दे मालक? ऐसा बेदा की मांग रहे हो? तो कोई है कि नहीं? फ्री है, फ्री है। बकरा वेखो तुसी, छोटे छोटे बकरे। ऐसा वे ऐ दसो इस बकरे का की मांग रहे हो? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अच्छा जी, ये की मांग रहे हो? 70,000 ये। तो यह जो पढ़ लिया तो व्डा ये 70 मांग रहे, तो 75 मांग रहे, 70 मांग रहे हैं दोस्तों। 75,000 रुपया तुम दसो। कला 1.5 लाख रुपया माशाल्लाह, खूबसूरत बकरा चाचा जी है, तो बड़ा बड़ा खूबसूरत बकरा। ये तो खान का ही बड़ा मजा आना है भाई ने, देख के आपको समझ आ गई। कुछ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे और कोई खूबसूरत बकरा नजर आए तो उसका मुल पूछें की मांगते ने उसका मुल। तक ऐ खलोता है, मैंने छिग्गा लग रहा है, छिग्गा या चोगा। भाई साहब की मांग रहे हो? हाँ जी एदा ही 1.35। छिग्गा है कि चोगा? छिग्गा ही है।
एक पैंती। ये भाई ये जोड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये 8.5 लाख रुपए की है, 7.5 लाख रुपए के लिए, 8.5 की, 8.5 का, बड़े खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब ये गुलबर्ग, लाहौर गुलबर्ग जा रहे हैं, लाहौर बहुत खूबसूरत है। बस अंदर चढ़ गए हैं, एक तो चढ़ता हुआ मैंने दिखा दिया, तो माशाल्लाह अच्छा है। तो बकरे शकरे देख लिए आपने, अब आपको दुम्बे भी दिखाते हैं कि दुम्बों का क्या हिसाब किताब है, दुम्बों के कितने पैसे मांग रहे हैं। दुम्बों का मुझे लगता है 60-70 हज़ार रुपये इन्हें मांग लेना, छतरे दुम्बे चक्की दुम्बे जो मर्जी इसको कह लें। हाँ जी भाई साहब, की मांग रहे इन्हों का, की मांग रहे इन्हों का? ये सारे एक वर्ग ही ने, थोड़ा थोड़ा फर्क है, किन्ना किन्ना फर्क है? एदा दसो एदा की मांग रहे? 45 हज़ार रुपया, साल डेढ़ साल, 45 हज़ार। इसका तो 45 मांग रहे एदा, एदा है 70 हज़ार रुपया का दुम्बे का, 70 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रेट। तो इन्हों का ए 20 हज़ार के, 10 हज़ार के, 20 वाला कोई नहीं ना यार। कितने कितने की बता रहे हैं जी? ये चाचा कह रहा 20 तो होते ही नहीं यार। दोस्तों ये तो माशाल्लाह से चक्रों का, बकरों का, दुम्बों का, गैरों का, ये सब कुछ बराबर हो गया यार। की मुल मांग रहे हो बकरियों का? मुख्तलि सारे का रेट, कोई बाटा रेट नहीं ला सकता? एदा की है? एदा 30 हज़ार रुपया। सही आ रही चाचा जी, पूरा आ रहा बकरा? पूरा पता लगेगा जी, लग जाएगा पता किन्ना साइज है। छतरियां दी तो दसो की रेट है, एक करके दसो तो रहने का रेट दसो चाचा जी, अदर 4-5 का रेट दसो एक करके, की मांग रहे हो तुम इन्हों का? अच्छा इन्हों का 45-45 हज़ार। अच्छा सारे 45-45 मांग रहे हो, ठीक है। हैं वड्डा केड़ा? ओ परले ओ भी ताडे ही है, दिखाओ। की 70 हज़ार ते को सब तो वड्डा छतरा केड़ा? चाचा हले दस रहे ना रेट, दस रहा फिर चाचा ने दसेगा क्या होगा? चाचा जी इन्होंने भी दसो काम हो गया, 90 हज़ार रुपया चाचा मांग रहे हैं, और जो पिछे खलोता है 45-45 हज़ार रुपया सारे चाचे दे। हाँ जी दिखाओ, ये भी 90 हज़ार रुपये देने, ये हले जो है ये भी छतरे 90 हज़ार रुपये देने, तो तुम वेख सकते हो खूबसूरत भी ने। तो आओ, हाँ सोने ने जी, खुश सोने ने, मैं तो गया ही नहीं माड़े ने। तुम इधर बकरे विखाने चिट्टे चिट्टे रंग दे, खूबसूरत खूबसूरत। चाचा जी आज जो उत्ते चढ़े शरारती जी, दसो ये की मांग रहे ने? ओ जो पिछे खलोता है 55, तो ए जो उत्ते खलोता 70 हज़ार रुपये का, यह भी चाचा जी ने माशाल्लाह सोने सोने बकरे ने छतरे भी ने। तो रेट तुम तकरीबन सारे का दसता अपना रेट लोगों को, एक ओहो एक बड़ा शरारती है बकरे को। मजीद खूबसूरत बकरे मैं दिखाने लगा हूँ जो बहुत खूबसूरत हैं, सारे सफ़ेद रंग के हैं और लाइन के अंदर लगे हैं, और एक एक करके मैं आपको सबका रेट बताऊँगा। चाचा जी यदा दसो सफेद सिंह वाले का की मांग रहे हो? तो नाल दे सारे एक शह ने, सारे एक शह ने, सारे चाचा जी 1.5-1.5 लाख रुपया मांग रहे। तुम वेख सकते हो बड़े खूबसूरत बकरे ने, क्या ही बात इन्हों की, वजन के हिसाब ने भी ठीक ने, बहुत खूबसूरत बकरे, रंगत भी बहुत खूबसूरत है, वजन के हिसाब ने भी खूबसूरत ने, रेट भी मुनासिब है। तो तुम आओ तो आके चाचा जी तो खरीदो, साडा नाम ले लेना चाचा, थोड़ा छड़ देगा पैसे थोड़ा जो।
थी आज की सूरत हाल बकरों का, भेड़ों का, ऊँटों का, सबका रेट आपको बताया। आपको कुछ समझ आई होगी कि अगर आपने मंडी की तरफ आना है तो क्या हिसाब है, किस जहन के साथ आपने आना। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि जो जो रेट वो मांग रहे हैं वो मुनासिब मांग रहे हैं या ज़्यादा मांग रहे हैं।